मैं इसे अपने बाइक के सेंटर में लगाना चाहता था। ये पाइप में जो हैंडल है उसमें कहीं भी जगह नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने अमेजोन से मंगाया है ये, इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो क्या है ये, अभी देखते हैं। ये है येलो फिन गियर्स का जॉ ग्रिप एल्युमिनियम बाइक फोन माउंट, ग्रिप एल्युमिनियम बाइक माउंट होल्डर। ये मोबाइल होल्डिंग करने के लिए है। ज़्यादातर बाइक में हम ट्रेवल जब करते हैं तो हमें गूगल मैप देखने में बड़ी परेशानी होती है। आपने नोटिस किया होगा, हमेशा एक हाथ से फ़ोन रखना पड़ता है और एक हाथ से बाइक चलानी पड़ती है, उसमें एक्सीडेंट का चांस होता है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो ये उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं अंदर से ये कैसा है। तो इसको ओपन करते हैं। ये कुछ मैनुअल, इसमें कुछ मैनुअल दिया हुआ है, वही हाउ टू इंस्टॉल इट इन बाइक, और ये साइकिल में भी सपोर्ट कर जाता है। तो ये इसको साइड में रख देते हैं। ये रहा वारंटी कार्ड, ये टोटल 18 मंथ्स की वारंटी सपोर्ट करता है ऑन बॉक्स। इसको भी हम साइड में रखते हैं। अब मेन चीज़ ये इसके जो कंपोनेंट है वो दिखाते हैं आपको। ये रहा मोबाइल होल्डर, और ये अगर आपके बाइक के पाइप में जो हैंडल है उसमें कहीं भी जगह नहीं है तो ये ORVM जो मिरर होता है बाइक का, साइड मिरर जिसे बोलते हैं, उधर पे प्लेस कर सकते हैं। उसको मिरर हटा के इसके ऊपर से मिरर लगा के तब उसको लगा सकते हैं इस डिवाइस को, अगर आपके बाइक में पाइप में कोई जगह नहीं है तब के लिए रहता है। अरे कहना क्या चाहते हो। ये असेंबली हो गई और ये क्लॉ टाइप है और सिंपल मैकेनिज्म है। ये बगल में स्क्रू दिया है, इससे आपको ढीला करना है। और ये कुछ मोबाइल है, इसको ढीला कर देना है आपको। और ये फिक्स हो जाता है और इस मैकेनिज्म से इसे टोटल टाइट कर देना है। इसको टाइट कर दिया। ये बहुत ही हैंडी है और मजबूत है। और ये क्लॉ इसके जबड़े टाइप जो दिए हुए हैं ये इसीलिए दिए हैं इसका मोबाइल सपोर्ट में रखने का, ताकि कहीं झटके लगते हैं, मान लो बहुत एक्सेसिव ब्रेक या कुछ झटका आता है तो ये गिरता नहीं है। यहाँ दोस्तों ये मोबाइल इससे स्टैंड से गिरेगा नहीं। अब ये इसमें लगा दिया है मोबाइल। ये प्लग है इसका, ये बॉल सॉकेट जो सॉकेट दिया हुआ है इसको लगाने का सेम तरीका। इसको हटाया, इस स्क्रू को हटाएंगे और ये लगाया इसमें और इसको फिक्स कर दिया। और ये स्क्रू हम टाइट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये स्क्रू टाइट हो गया है और ये सॉकेट इसमें लगा दिया है। बहुत ही मजबूत है, हैंडी है इतना। ये देखिए आपको मैं हिला डुला के दिखा रहा हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बहुत ही शानदार ग्रिपिंग है, आप इजीली बाइक में इसे लगा के कहीं भी जा सकते हैं। बीच हैंडल में भी लग जाएगा, सब जगह लग जाएगा। अच्छा हमको सिखा दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपको फुल्ली हिला डुला के दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है ये। तो ये कंपोनेंट के साथ बाकी ये मिलते हैं दो ग्रिप। अगर आपकी बाइक का जो पाइप है कुछ पतला या मोटा रहता है तो इस माउंट में इसको लगा के इसकी थिकनेस को, पाइप की थिकनेस के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये आपको बता ही दिया था, ये रहा था साइड मिरर की जगह पे अगर आपको लगाना है, ये उसके लिए माउंट दिया हुआ है अगर आपके पाइप में एक भी जगह नहीं है। तो यही था सब कुछ इसमें। और इसको टाइट करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, एल की दी हुई है। बाइक में इस तरह के जो स्क्रूज होते हैं
इनको टाइट करने के लिए ये एल की भी दी हुई है ताकि आप इजीली इसको ओपन करके बाइक में लगा सकें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये रहे सब कंपोनेंट, बिल्ड क्वालिटी आपको बताई थी, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, एल्युमिनियम मेड है, सम फाइबर यूज़ किया गया मगर 80% हिस्सा एल्युमिनियम मेड है, हार्ड प्लास्टिक है और हिले डुलेगा नहीं। और इसके बाद दोस्तों ये सिलिकॉन स्ट्रैप भी दिया हुआ है, यहाँ से स्टिकर निकाल के आप पाइप में ऐसे लगा सकते हैं, अगर थिकनेस में बहुत ही मामूली फ़र्क है तो इसको लगा के आप तब ये जॉइंट के साथ लगा सकते हैं, इसके सॉकेट के साथ, तो ये इजीली बैठ जाएगा आपका और ये पाइप में लगने के बाद ऐसे स्किड नहीं करेगा, जिससे आपका ये जो मैप है या मोबाइल है वो प्रॉपर फिक्स रहेगा और ये चलने के दौरान डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। तो अब आपको सीधे ले चलते हैं बाइक, उसमें इंस्टॉल करके दिखाता हूँ ये आपको कैसा पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसे अपनी बाइक में फ़िक्स कर लिया है, कुछ ऐसी जगह पे यहाँ फ़िक्स किया है, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी क्योंकि मैं इसे अपने बाइक के सेंटर में लगाना चाहता था, पर अफसोस अब हीरो और शाइन जो भी गाड़ियाँ जितनी भी इस समय मार्केट में बाइक आ रही हैं, पहले इसमें इंडिविजुअल क्लैंप आता था दोनों पे, अब इसमें इंडिविजुअल क्लैंप नहीं आता और ये प्लेट आती है, तो इसकी वजह से रॉड वाला पोर्शन गायब हो जाता है, वरना सबसे सेफ तरीका था यहाँ लगाने का। आई होप मैं मार्केट में ढूंढूंगा, अगर ये क्लैंप अलग अलग मिल जाएंगे तो अच्छा वही ऑप्शन में फिर से लगाऊंगा, बट यहाँ मैंने इसको प्रॉपर फिक्स किया है और आप देख सकते हैं ये है मेरी होंडा शाइन। तो अब मैं आपको इसमें मोबाइल फिक्स करके दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, मैंने इसको सेट कर लिया है मोबाइल अपना इसमें सॉकेट में, और आप देख सकते हैं ये क्लॉ टाइप इसका ये सॉकेट है, ये नीचे से भी मोबाइल को सपोर्ट रहता है, ये ऊपर से भी मोबाइल को सपोर्ट रहता है, और ये मैकेनिज्म है, इसको जितना आप ढीला करते जाएंगे ये अपनी पकड़ छोड़ देगा और इजीली आप मोबाइल निकाल सकते हैं, और इसको जितना टाइट कर देंगे और उतनी टाइटली तरीके से ये मोबाइल यहाँ पर लग जाएगा, और मोबाइल बहुत टाइटली लगता है, आपको इस पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि मोबाइल चलाते समय छूट जाएगा। तो दोस्तों, ये इसकी जो रोटेटरी वॉल मैकेनिज्म है, जो जॉइंट है, 360 एंगल सपोर्ट करता है, तो आप मोबाइल को लेटरल पैरेलल जैसा भी घुमाना चाहें, पूरा राउंड करके भी घुमा सकते हैं, कैसे भी डायरेक्शन में इसे यूज़ करते हैं, और इसको स्क्रू को जितना टाइट कर देंगे वो इतना घूमना बंद कर देगा। तो चलिए आपको मैं चला के दिखाता हूँ कि कैसा ये वर्क कर रहा है बाइक में, चलती बाइक में, इसलिए मैं ये उबड़ खाबड़ वाली रास्ते पे लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैं बाइक चला रहा हूँ और आप बाइक में देखिए स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है, उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पे चल रहा हूँ, बहुत गंदी रास्ता है, इससे बस रास्ता नहीं हो सकती कोई, और बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, कुछ भी हिल डुल नहीं रहा है, बढ़िया तरीके से कर रहा है काम, तो इस मामले में ये बेस्ट प्रोडक्ट है। बाकी मैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ ये कैसा चलता है। तो दोस्तों, ये रही इसकी स्टेबिलिटी, ये मैंने वीडियो बनाया है और ये बना रहा हूँ वीडियो, देखिए बाइक में मैं चल रहा हूँ इसको लगा के, कोई जैसा इसमें लगा के दिखाया था वैसे ही है, कुछ अलग से काम नहीं किया और वही सी उबड़ खाबड़ रास्ता है। ये दोस्तों सिर्फ आपके लिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि आपको जेन्युइन रिव्यू दूंगा हर चीज़ का, कुछ उसमें प्रमोशन या किसी के लिए अच्छा या बुरा बोलना मुझे नहीं मालूम है, पर जो भी है बहुत बढ़िया चल रहा है, मुझे तो एट ऑल कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही, हिल डुल भी नहीं रहा है, और ये देखिए अपने एंगल के हिसाब से आप ऐसे घुमा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, व्लॉगिंग करने के लिए दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट है ये, अगर आप बाइक से व्लॉगिंग करना चाहते हैं या गूगल मैप देखना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, इस पर मैप आसानी से टिक जाएगा, एक हाथ से आपको मोबाइल पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, प्रोडक्ट बहुत ही जेन्युइन है, आप इसे आँख बंद करके परचेज कर सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने वाली, इन फ्यूचर आप कभी भी यूज़ करते हैं इसे, कितने भी खड्डे वड्डे वाली रास्ते पे ले जाएं, तो मेरी तरफ से ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, चेज लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वीडियो के दे दूंगा। तो कैसा लगा है वीडियो आपको मेरा ज़रूर बताइएगा, अगर हाँ कोई यूज़ कर रहा है इसे प्रोडक्ट को तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसके साथ रिस्पॉन्स कैसा है इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए
बाय बाय।